फ्रेंड्स, दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले तो शुरू करते हैं वीडियो कैसे हो दोस्तों दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं शाहरुख खान की फिल्म देवदास के बारे में देवदास भारतीय नाट्य रोमानी हिंदी फिल्म है इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली और निर्माण भरत शाह ने किया था यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित है इसमें शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य किरदार में हैं। इसे 12 जुलाई 2002 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था रिलीज पर भारत में मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद देवदास देव को पश्चिमी फिल्म आलोचका के बीच समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की ओर से अकादमी पुरस्कार में भी भेजी गई थी देवदास ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था फिल्म ने पांच राष्ट्रीय पुरस्कार और दस फेयर पुरस्कार भी जीते ऐसे यह, ऐसे यह में यह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ उस समय तक सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार को जीतने वाली फिल्म हुई थी बाद में 2005 की भंसाली की ब्लैक ने कीर्तिमान तोड़ दिया इस फिल्म को बनाने के कुल खर्चा पचास करोड़ रुपए आया था और फिल्म रिलीज के समय ये बॉलीवुड की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म थी इसे हिंदी के साथ साथ छह अन्य भाषाओं में भी दिखाया गया था जिसमें अंग्रेजी गुजराती फ्रांसीसी मंदारिन थाई और पंजाबी शामिल है यह फिल्म भारत और विदेशों में एक व्यावसायिक सफलता थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदे हुए हैं यह कहानी 1990 के दशक की है कौशल्या को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा देवदास वापस घर आ रहा है देवदास दस साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया था उसके लौटने की खुशी में ये बात कौशल्या अपनी पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा को भी बता देती है इस खबर से वो खुश हो जाती है जब देवदास लौटता है तो पारो और उसके बीच की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है सभी को ऐसा लगता है कि उन दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी लेकिन कौशल्या को देवदास की भाभी कुमत बताती है कि पारो की मातृ संबंधी वंशावली नाचने वाली लड़की की है और उसे मुखर्जी परिवार में शामिल करना ठीक नहीं होगा सुमित्रा सभी के सामने अपनी इच्छा रखती है कि देवदास और पारू की शादी हो जाए पर कौशल्या सभी के सामने इस रिश्ते से मना कर देती है और कहती है कि वे लोग निचले दर्जे के लोग हैं सुमित्रा इस बेजती को सह नहीं पाती और पारू की शादी मुखर्जी परिवार से अमीर एक चालीस साल के बुढ़े ठाकुर भवन चौधरी से तय कर देती है जो तलाकशुदा और तीन बच्चों का बाप है वो ये शादी बस इस कारण से तय करती है क्योंकि उस बुड्ढे के पास मुखर्जी परिवार से ज्यादा पैसे हैं वहीं देवदास के पिता भी पारो के साथ देव की शादी के लिए मना कर देते हैं इस कारण देव अपना घर छोड़ देता है और कोठे में रहने लगता है वो पारो को एक झूठी चिट्ठी लिखता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था कोठे में उसकी मुलाकात चंद्रमुखी नाम की तवायफ से होती है उसे देव से प्यार हो जाता है जल्द ही देव को एहसास होता है कि उसने पारो को छोड़कर गलती की है वो उसके शादी के समय उसके पास वापस लौटता है लेकिन पारो उसके साथ आने से मना कर देती है वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने उसे अकेला छोड़ दिया था पारो को पता चलता है कि उसका पति उससे बस अपने बच्चों की माँ बनने के लिए शादी करना चाहता है लेकिन उसे सिर्फ अपनी पहली पत्नी से ही प्यार है वो अपनी ओर से उन बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखती है वहीं पारों को हमेशा के लिए खो देने के कारण देवदास का दिल टूट जाता है और वो वापस कोठे में बस जाता है और शराबी बन जाता है अब देवदास के पिता मरने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो अपने बेटे को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं लेकिन देव उनके पास उनके मरने के बाद आता है वो भी शराब के नशे में धुत होकर और चला भी जाता है शराब के कारण देवदास का हाल काफी बुरा हो जाता है और उसे पता चलता है कि अब शराब पीने से वो मर भी सकता है वो ठीक होने के लिए अपने घर वापस आता है वहां उसे पता चलता है कि उसकी भाभी ने उसकी मां से खानदान की तिजोरी की चाबी चुरा ली है वो जब इस बारे में मुकद से बात करता है तो उसकी माँ को बताती है कि देवदास ने ही चाबी चुराई है उसकी माँ कुमद की बातों में विश्वास कर लेती है और देवदास को घर से निकाल देती है पारू को जब देवदास के हालत के बारे में पता चलता है तो वो चंद्रमुखी के कोठे में आकर उसे देवदास को शराब न पिलाने के बारे में कहती है और उसे जल्द ही एहसास हो जाता है चंद्रमुखी को देवदास से प्यार हो गया है पारो अब देवदास से कहती है कि वो शराब पीना बंद कर दे लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है कि मरने से पहले अंतिम बार उसके घर के दरवाजे तक जरूर आएगा एक दिन ट्रेन में देवदास की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त चुन्नी बाबू से होती है वो उसे अपनी दोस्ती के नाम पर शराब पिला देता है देवदास ये जानते हुए भी शराब पीता है कि वो इस बार शराब पीने के बाद नहीं बच पाएगा वो पारो को किया वादा निभाने के लिए पारो के घर जाता है वो बाहर के दरवाजे के पास वाले पेड़ के नीचे गिर जाता है पारो उसे देख उसके पास आने की कोशिश करती है पर भुवन उसे देख नौकरों को दरवाजा बंद करने को कह देता है देवदास को पारो की एक धुंधली सी छवि दिखती है और दरवाजा बंद हो जाता है दरवाजे के पीछे पारो रोने लगती है और वहीं धीरे धीरे देवदास मौत के करीब बढ़ता जाता है उसके मरने के साथ ही पारो का दिया भी बुझ जाता है फिल्म साउंड ट्रैक मुख्य रूप से इसमाइल दरबार द्वारा रचित किया गया जबकि गीत नुसरत बद्र द्वारा लिखे गए थे इसमें पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल कविता कृष्ण मूर्ति और उदित्य नारायण शामिल हैं श्रेया ने इस फिल्म के माध्यम से अपनी बॉलीवुड में शुरुआत की उन्होंने संजय लीला भंसाली का ध्यान आकर्षित किया था जिन्होंने उन्हें सारे गामा में एक प्रतिभागी के रूप में देखा और बाद में उन्हें पारों के चरित्र के लिए पार्श्व गायन करने का मौका दिया श्रेया के गायन करियर में दर्ज पहला बॉलीवुड गीत बैरी पिया था उन्होंने एल्बम में पांच गाने गाए और उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा और सराहना हुई उन्होंने बैरी पिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला गायिका का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते साल 2002 में शुरू हुई थी देव और पारो की प्रेम कहानी मतलब आज देवदास को लगभग 22 साल पूरे होने वाले हैं संजय लीला भंसाली की यह फिल्म 1955 में बनी देवदास की रीमेक थी 1955 की देवदास को विमल रॉय ने डायरेक्ट किया था और विमल की देवदास में दिलीप कुमार थे और भंसाली वाली में शाहरुख खान नजर आए थे माधुरी दीक्षित ने अपनी आइकॉनिक फिल्म देवदास के 22 साल पूरे होने पर एक तस्वीर शेयर की थी संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में चंद्रमुखी का किरदार निभाने वाली माधुरी ने इस फिल्म देवदास के सेट के इस तस्वीर को शेयर किया और इस तस्वीर में माधुरी के अलावा शाहरुख के अलावा डायरेक्टर संजय लीला भंसारी भी नजर आए माधुरी ने अपने इस पोस्ट में शाहरुख खान संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय को भी टैग किया वहीं शाहरुख ने भी इस ट्वीट को जवाब दिया माधुरी ने लिखा था थ्रो बैक टू देवदास विच विल ऑलवेज बी अ फिल्म वेरी क्लोज टू माई हर्ट और शाहरुख ने इसके जवाब में लिखा इश और आप हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगी आप हमेशा वो रहेंगी जिसने हमें मार डाला इश हम पर ये किसने हरा रंग डाला यह गाना आज भी लोगों की जुब्बा पर चढ़ गया और हर शादी में डोलारे डोलारे डोला गाने पर डांस किया जाता है देवदास फिल्म से मैं सभी को अपने रंग में रंग लिया और आज इस फिल्म को 22 साल होने वाले हैं तो आज कुछ ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं जो इस फिल्म से उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको देवदास नब्बे के दशक में लिखे गए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर आधारित थी निर्देशक संजय लीला भंसाली ने 1955 में रिलीज हुई देवदास फिल्म का रीमेक बनाया था भंसाली की इस फिल्म को उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में गिना जाता है जिसके सिर्फ सेट्स को बनाने की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पारो का खूबसूरत सा दिखने वाला कांच का घर एक लाख बाईस हजार कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था अगर बारिश हो जाती थी तो उस घर को दोबारा तोड़कर सजाया जाता था देवदास फिल्म का सबसे चर्चित किरदार चंद्रमुखी जिसे माधुरी दीक्षित ने निभाया था इस फिल्म में चंद्रमुखी की बेहद ही शानदार कोठा दिखाया गया था जिसे बनाने में बारह करोड़ रुपए लगे थे साल 2003 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था और साथ ही आस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी देवदास फिल्म को बनाने में 700 सौ लाइटमैन और 42 जनरेटर का प्रयोग किया गया था इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से मुंबई की शादियों में लाइटिंग और डेकोरेशन की कमी पड़ गई थी क्योंकि सारी लाइटिंग और डेकोरेशन का सामान तो भंसाली के सेट पर लगा दिया गया था शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी की फिल्म देवदास को रिलीज हुए लगभग 22 साल होने वाले हैं 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई देवदास बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है इस फिल्म के आलीशान सेट को करीब 9 महीने तक इस्तेमाल किया गया था फिल्म के सेट का सबसे महंगा पार्ट चंद्रमुखी का कोटा था इसे तैयार करने में 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे फिल्म में ऐश्वर्या राय ने डिजाइनर नीता लुल्ला के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने थे इसमें लिए इसके लिए खुद नीता और संजय लीला भंसाली ने कोलकाता में 600 साड़ियां खरीदी थी इसके बाद अलग अलग साड़ियों को मिक्स किया गया था और इसे बांधने के स्टाइल को भी नीता ने ही क्रिएट किया नीता लुल्ला को ऐश्वर्या राय को तैयार करने में हर रोज करीब तीन घंटे लगते थे पारों के लिए आठ से नौ मीटर की साड़ियों का इस्तेमाल किया गया था देवदास को जहां क्रिटिक्स की तरफ से सराहना मिली वहीं इसने कई बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे फिल्म में ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित पर फिल्म माया गाना डोला रे डोला काफी पॉपुलर हुआ था हालांकि ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि इस गीत की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय जख्मी हो गई थी और उनके कानों से खून बहने लगा था दरअसल ऐश्वर्या राय ने फिल्म में पारू का रोल निभाया था फिल्म में माधुरी दीक्षित डोला हालांकि के के हाला क्रू मेंबर्स को बिल्कुल भी खबर नहीं लगी लग पाई थी बड़े झुमकों की वजह से ऐश्वर्या के कान बुरी तरह छिल गए हैं और उनके कानों से खून बहने लगा है हालांकि बावजूद इसके उन्होंने डांस करना तक बंद नहीं किया जब तक के शूट पूरा नहीं हो गया संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के लिए आउटफिट से लेकर कोरियोग्राफी और सेट की साज सज्जा तक सब कुछ बेहद महंगा था फिल्म के गाने काहे छोड़े मोहे के लिए माधुरी दीक्षित के आउटफिट का वजन 30 किलो था इसके साथ उनके लिए डांस करना आसान नहीं था बता दे के इस गाने की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित गर्भवती भी थी बावजूद इसके उन्होंने बिना किसी हिचक के शूटिंग पूरी की थी काहे छेड़े मोहे गाने में उन्होंने डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किया घाघरा पहना था जिसकी कीमत पंद्रह लाख रुपए से भी ज्यादा थी 2002 में आई फिल्म देवदास करीब 50 करोड़ में के बजट में बनी थी फिल्म के छह सेट बनाए गए थे जिनकी कीमत बीस करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर बयालीस जनरेटर सात सौ लाइटमैन की मदद से तीस लाख वॉट बिजली सप्लाई की जाती थी फिल्म में चुन्नी बाबू का रोल एक्टर जैकी शॉफ ने प्ले किया था मगर उनसे पहले यह रोल मनोज बाजपाई को ऑफर किया गया था उस समय मनोज बाजपाई ने कहा था कि वो जितनी भी फिल्में कर रहे हैं उसमें लीड रोल ही कर रहे हैं ऐसे में वो कोई सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते बता दे कि देवदास को 2010 में एम्पायर मैगजीन की द हंड्रेड बेस्ट फिल्म सिनेमा में स्थान मिला था। इसके साथ ही टाइम्स मैगजीन में उस साल दुनिया भर में रिलीज हुई सभी फिल्मों में से देवदास को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया है संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म देवदास 2002 में रिलीज हुई फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ साथ शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के करियर की भी सबसे शानदार फिल्म बनी जाती है इस फिल्म के एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए संजय लीला भंसाली ने मेहनत के साथ साथ बेहद मोटी रकम भी लगा दी थी देवदास उस समय के हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मी फिल्म बनकर सामने आई थी फिल्म के लिए प्लान की गई कॉस्ट्यूम अभी तक लोगों में फैशन को डिफाइन करती है वहीं फिल्म का सेट किसी म्यूजियम से कम नहीं माना जाता आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जब देवदास रिलीज हुई तो उससे पहले किसी भी फिल्म का बजट इससे बड़ा नहीं रहा यह फिल्म उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म थी करीब 50 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी यह फिल्म इतना बड़ा बजट था कि फिल्म के प्रोड्यूसर भरत शाह को साल 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया था दरअसल एक जांच में सामने आया था कि उनकी एक फिल्म को अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस किया गया है हालांकि तब देवदास रिलीज नहीं हुई थी फिल्म का सेट देखकर किसी की आंखें चौंधिया गई थी इसे तैयार करने में फिल्म को करीब सात से नौ महीने लग गए थे खर्च किए गए थे दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी रकम चंद्रमुखी का कोठा तैयार करने में लगी थी इसे तैयार करने में बारह करोड़ रुपए खर्चे हुए थे वही बात करें पारो के घर की तो इसे स्टेंड ग्लास की मदद से तैयार किया गया था क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान बारिश हो रही थी इसलिए इस ग्लास को बार बार पेंट करना पड़ रहा था इस सेट को बनाने में सवा लाख स्टेंड ग्लास के पीस को इस्तेमाल किया गया था जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपए थी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के सभी आउटफिट्स फैशन डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने डिजाइन किए थे उस समय इन हैवी और शानदार आउटफिट्स की कीमत करीब पंद्रह लाख रुपए हुआ करती थी काहे छेड़ छेड़ मुहे गाने में माधुरी ने जो घाघरा पहना था उसका वजन तीस किलो का था ऐसे में इस आउटफिट में डांस करना भी उनके लिए काफी चैलेंजिंग साबित हुआ होगा ऐसे में इसे रिप्लेस कराया गया और हल्का घाघरा तैयार किया गया इस हल्के घाघरे का वजन भी सोलह किलो था ऐसे ही माधुरी ने एक दस किलो की ड्रेस पहनी थी जिसे तैयार करने में आर्टिस्टों को करीब दो महीने का समय लगा था फैशन डिजाइनर नीतू लुल्ला और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या के लिए कोलकाता से 600 साड़ियां खरीदी थी इसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाकर अलग लुक तैयार किया गया जिन्हें ऐश्वर्या ने पारू का किरदार निभाने के लिए पहना था ऐश्वर्या राय को हर बार तैयार करने में नीतू लुल्ला को करीब तीन घंटे का समय लगता था दरअसल नॉर्मल साड़ी छः मीटर की होती है लेकिन जो साड़ी ऐश्वर्या को पारो के किरदार के लिए पहनाई जाती थी वो आठ से नौ मीटर की होती थी इस्माइल इस दरबार ने इस फिल्म के आइकॉनिक गानों का म्यूजिक तैयार किया था इसके लिए उन्हें दो साल का लंबा वक्त लगा था हर एक गाने की रिकॉर्डिंग करीब दस दिनों में होती थी फिर इसके बाद उन्हें आठ नौ बार मिक्स किया जाता था इस दौरान इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली में काफी मन मुटाव और कह, कहा सुनी भी हुई हालांकि दोनों ने इन्हें बाद में सुलटा लिया था डोला रे डोला गाने के लिए लाइन को फाइनल मिक्सिंग स्टेज पर नुसरत बद्र ने बदला था और इसमें खर्चा भी हुआ था तमाम कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत के बाद साल 2002 में देवदास टॉप अर्नर बनकर सामने आई थी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने इकतालीस करोड़ रुपए की मोटी कमाई की थी जो कि उन दिनों में बड़ा रिकॉर्ड था इसी साल रिलीज हुई फिल्म राज ने 21 करोड़ रुपए की कमाई की थी घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में देवदास ने शानदार कमाई की इस फिल्म का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी रखा गया था फिल्म के म्यूजिक राइट्स 12 करोड़ रुपए में बिके थे इस फिल्म की एक चीज इतनी शानदार थी तभी आज की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म में इसका नाम शुमार है इस फिल्म से ही लोगों की नजरें ऐश्वर्या राय पर कई सालों तक पारो की इमेज में छाई रही और शाहरुख देवदास की इमेज में वहीं माधुरी दीक्षित का चंद्रमुखी रोल और जैकी श्राफ का चुन्नी लाल वाला अवतार आज शायद ही इसे कोई टक्कर दे पाए लेकिन आपको बता दें कि आपने इस फिल्म में जिस जिस सुपरस्टार को देखा वो इसलिए पहली पसंद नहीं थे जी हां फिल्म से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे तो चलिए बात करते हैं इन दिलचस्प बातों के बारे में 2002 में रिलीज हुई शाहरुख खान माधुरी और ऐश्वर्या की फिल्म देवदास को लगभग 20 साल पूरे हो गए हैं फिल्म की ज़्यादातर कास्ट आपने अपने रोल के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थे लीड रोल के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था सलमान के रिजेक्ट करने के बाद शाहरुख को यह रोल मिला चुन्नी लाल का रोल भी जैकी श्रॉफ के पहले गोविंदा और सैफ अली खान को ऑफर हुआ था फिल्म देवदास की शूटिंग से पहले ही ऐश्वर्या और सलमान के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी इसी दौरान शाहरुख और ऐश की जोड़ी को खासा पसंद किया जाने लगा था यही बात सलमान को नागाबार गुजर रही थी जो सूत्रों की माने तो सलमान को लगने लगा था कि शाहरुख और ऐश के बीच अफेयर चल रहा है इन सब की वजह से शाहरुख और सलमान के बीच भी गलत फहमिया को बढ़ने लगी थी दोनों की दोस्ती में वही से खटास आने लगी थी फिल्म देवदास का संगीत तैयार करने में करीब ढाई साल लगे थे संजय लीला भंसाली और इसमाइल दरबार ने कड़ी मेहनत के बाद इसे फाइनल किया था लगभग हर गाने को मिक्स करने में आठ से नौ टेक लेने पड़े थे डोला रे डोला की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के कान के झुमके इतने भारी थे कि उनके कानों से ही खून निकलने लगा था लेकिन ऐश ने बिना किसी शिकायत के शूटिंग जारी रखी थी आप ये जानकर अचंभित रह जाएंगे कि यह गाना लिखने में करीब एक हफ्ता लगा था देवदास की शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड 42 जनरेटर इस्तेमाल किए गए थे एक फिल्म के करीब लिए करीब दो से तीन जनरेटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं यही नहीं क्योंकि ज्यादातर जनरेटर यहां इस्तेमाल हो रहे थे इसलिए मुंबई की कई शादियों में बहुत परेशानियां सामने आई थी फिल्म में 2500 सौ लाइटें सात सौ लाइटमैन और अनगिनत जूनियर आर्टिस्ट लगे हुए थे इस फिल्म ने तीनों के ही करियर को एक नई ऊंचाई दी थी ये फिल्म आज भी लोगों के दिलों पे ही छाई रहती है फिल्म के कॉस्ट्यूम सेट और गाने हर चीज़ शानदार है फिल्म में हर एक चीज को बारीकी से फिल्माया गया है लगभग बीस साल पूरे होने को हो हैं इस फिल्म के और हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे तो देवदास फिल्म को उसके भव्य सेट से के लिए भी जाना जाता है सेट को तैयार करने में मेकर्स को लगभग सात से आठ महीने लगे थे फिल्म के हर किरदार के लिए शानदार कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए थे शाहरुख खान रोमांस के अल्टीमेट किंग हैं और निसंदेह है देवदास उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक फिल्मों में से एक है 12 जुलाई को संजय लीला भंसारी द्वारा निर्देशित की गई देवदास को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं इस फिल्म की रिलीज के बाद शाहरुख ने बताया था कि यह फिल्म उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी फिल्म मेकर फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था दुनिया भर के फेस्टिवल्स में प्रदर्शित की गई मेरी अब तक की फिल्मों में से देवदास मेरे लिए सबसे खास है शाहरुख ने इंटरव्यू में यह भी कहा मैं एक रोमांटिक शख्स हूं लेकिन मैं कभी इस तरह से नशे में नहीं रहा जैसा कि इस फिल्म का कैरेक्टर है प्रेम से जुड़ी यह अहंकार की एक अजीब भावना है आपको तब बेहद गर्व होता है जब कोई आपसे प्यार करता है और किसी से आप प्यार का गर्व आपसे ऐसी चीजें करवाता है जिसे आप सामान्यत नहीं कर सकते यदि यही देवदास भी बताती है इसका कैरेक्टर एक क्लासिक हीरो के साथ ही प्यार का प्रतीक भी है मैंने देवदास को पूरी शिद्दत से निभाया है सच कहूं तो दिल से मैं देवदास ही हूं देवदास भारतीय नाट्य रोमानी हिंदी फिल्म है इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली और निर्माण भरत शाह ने किया था यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित है इसमें शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य किरदार में है इसे 12 जुलाई 2002 को सिनेमा घरों में, पर में मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद देवदास देव को पश्चिमी फिल्म आलोचका के बीच समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की ओर से अकादमी पुरस्कार में भी भेजी गई थी देवदास ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था फिल्म ने पांच राष्ट्रीय पुरस्कार और दस फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते ऐसे यह ऐसे में यह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ उस समय तक सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार को जीतने वाली फिल्म हुई थी बाद में 2005 की भंसाली की ब्लैक ने कीर्तिमान तोड़ दिया इस फिल्म को बनाने के कुल खर्चा 50 करोड़ रुपए आया था और फिल्म रिलीज के समय यह बॉलीवुड की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म थी इसे हिंदी के साथ साथ छह अन्य भाषाओं में भी दिखाया गया था जिसमें अंग्रेजी गुजराती फ्रांसीसी मंदारिन थाई और पंजाबी शामिल है यह फिल्म भारत और विदेशों में एक व्यावसायिक सफलता थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदे हुए हैं यह कहानी 1990 के दशक की है कौशल्या को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा देवदास वापस घर आ रहा है देवदास 10 साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया था उसके लौटने की खुशी में यह बात कौशल्या अपनी पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा को भी बता देती है इस खबर से वो खुश हो जाती है जब देवदास लौटता है तो पारो और उसके बीच की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है सभी को ऐसा लगता है कि उन दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी लेकिन कौशल्या को देवदास की भाभी कुमद बताती है कि पारो की मात्र संबंधी वंशावली नाचने वाली लड़की की है और उसे मुखर्जी परिवार में शामिल करना ठीक नहीं होगा सुमित्रा सभी के सामने अपनी इच्छा रखती है कि देवदास और पारो की शादी हो जाए पर कौशल्या सभी के सामने इस रिश्ते से मना कर देती है है और कहती है कि वे लोग नीचले दर्जे के लोग हैं सुमित्रा इस बेजती को सह नहीं पाती और पारू की शादी मुखर्जी परिवार से अमीर एक चालीस साल के बुढ़े ठाकुर भवन चौधरी से तय कर देती है जो तलाकशुदा और तीन बच्चों का बाप है वो ये शादी बस इस कारण से तय करती है क्योंकि उस बुढ़े के पास मुखर्जी परिवार से ज्यादा पैसे हैं। वहीं देवदास के पिता भी पारो के साथ देव की शादी के लिए मना कर देते हैं इस कारण देव अपना घर छोड़ देता है और कोठे में रहने लगता है वो पारो को एक झूठी चिट्ठी लिखता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था कोठे में उसकी मुलाकात चंद्रमुखी नाम की तबायफ से होती है उसे देव से प्यार हो जाता है जल्द ही देव को एहसास होता है कि उसने पारो को छोड़कर गलती की है वो उसके शादी के समय उसके पास वापस लौटता है लेकिन पारो उसके साथ आने से मना कर देती है वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने उसे अकेला छोड़ दिया था पारो को पता चलता है कि उसका पति उससे बस अपने बच्चों की मां बनने के लिए शादी करना चाहता है लेकिन उसे सिर्फ अपनी पहली पत्नी से ही प्यार है वो अपनी ओर से उन बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखती है वहीं पारो को हमेशा के लिए खो देने के कारण देवदास का दिल टूट जाता है और वो वापस कोठे में बस जाता है और शराबी बन जाता है अब देवदास के पिता मरने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो अपने बोटे बेटे को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं लेकिन देव उनके पास उनके मरने के बाद आता है वो भी शराब के नशे में धुत होकर और चला भी जाता है शराब के कारण देवदास का हाल काफी बुरा हो जाता है और उसे पता चलता है कि अब शराब पीने से वो मर भी सकता है वो ठीक होने के लिए अपने घर वापस आता है वहां उसे पता चलता है कि उसकी भाभी ने उसकी मां से खानदान की तेजोरी की चाबी चुरा ली है वो जब इस बारे में मुकद से बात करता है तो उसकी मां को बताती है कि देवदास ने ही चाबी चुराई है उसकी मां कुमद की बातों में विश्वास कर लेती है और देवदास को घर से निकाल देती है पारू को जब देवदास के हालत के बारे में पता चलता है तो वो चंद्रमुखी के कोठे में आकर उसे देवदास को शराब न पिलाने के बारे में कहती है और उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि चंद्रमुखी को देवदास से प्यार हो गया है पारू अब देवदास से कहती है कि वो शराब पीना बंद कर दे लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है के मरने से पहले अंतिम बार उसके घर के दरवाजे तक जरूर आएगा एक दिन ट्रेन में देवदास की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त चुन्नी बाबू से होती है वो उसे अपनी दोस्ती के नाम पर शराब पिला देता है देवदास ये जानते हुए भी शराब पीता है कि वो इस बार शराब पीने के बाद नहीं बच पाएगा वो पारो को किया वादा निभाने के लिए पारो के घर जाता है वो बाहर के दरवाजे के पास वाले पेड़ के नीचे गिर जाता है पारो उसे देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है पर भुवन उसे देखकर नौकरों को दरवाजा बंद करने को कह देता है देवदास को पारो की एक धुंधली सी छवि दिखती है और दरवाजा बंद हो जाता है दरवाजे के पीछे पारो रोने लगती है और वहीं धीरे धीरे देवदास मौत के करीब बढ़ता जाता है उसके मरने के साथ ही पारो का दिया भी बुझ जाता है। साउंड ट्रैक मुख्य रूप से दरबार द्वारा रचित किया गया जबकि गीत नुसरत बद्र द्वारा लिखे गए थे इसमें पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल कविता कृष्ण मूर्ति और उदित्य नारायण शामिल हैं। श्रेया ने इस फिल्म के माध्यम से अपनी बॉलीवुड में शुरुआत की उन्होंने संजय लीला भंसाली का ध्यान आकर्षित किया था जिन्होंने उन्हें सारे गामा में एक प्रतिभागी के रूप में देखा और बाद में उन्हें पारों के चरित्र के लिए प्राश्वर गायन करने का मौका दिया श्रेया के गायन करियर में दर्ज पहला बॉलीवुड गीत बैरी पिया था उन्होंने एल्बम में पांच गाने गाए और उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा और सराहना हुई उन्होंने बैरी पिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला गायिका का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते साल 2002 में शुरू हुई थी देव और पारो की प्रेम कहानी मतलब आज देवदास को लगभग 22 साल पूरे होने वाले हैं संजय लीला भंसाली की यह फिल्म 1955 में बनी देवदास की रीमेक थी 1955 की देवदास को विमल रॉय ने डायरेक्ट किया था और विमल की देवदास में दिलीप कुमार थे और भंसाली वाली में शाहरुख खान नजर आए थे माधुरी दीक्षित ने अपनी आइकॉनिक फिल्म देवदास के 22 साल पूरे होने पर एक तस्वीर शेयर की थी संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में चंद्रमुखी का किरदार निभाने वाली माधुरी ने इस फिल्म देवदास के सेट के इस तस्वीर को शेयर किया और इस तस्वीर में माधुरी के अलावा शाहरुख के अलावा डायरेक्टर संजय लीला भंसारी भी नजर आए माधुरी ने अपने इस पोस्ट में शाहरुख खान संजय लीला भंसारी और ऐश्वर्या राय को भी टैग किया वहीं शाहरुख ने भी इस ट्वीट को जवाब दिया माधुरी ने लिखा था थ्रो बैक टू हैशटेग देवदास विच विल ऑलवेज बी अ फिल्म वेरी क्लोज टू माई हार्ट और शाहरुख ने इसके जवाब में लिखा इश और आप हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगी आप हमेशा वो रहेंगी जिसने हमें मार डाला इश हम पर ये किसने हरा रंग डाला यह गाना आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ गया और हर शादी में डोलारे डोलारे डोला गाने पर डांस किया जाता है देवदास फिल्म से मैं सभी को अपने रंग में रंग लिया और आज इस फिल्म को 22 साल होने वाले हैं तो आज कुछ ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं जो इस फिल्म से उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको देवदास नब्बे के दशक में लिखे गए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर आधारित थी निर्देशक संजय लीला भंसाली ने 1955 में रिलीज हुई देवदास फिल्म का रीमेक बनाया था भंसाली की इस फिल्म को उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में गिना जाता है जिसके सिर्फ सेट्स को बनाने की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पारो का खूबसूरत सा दिखने वाला कांच का घर एक लाख बाईस हजार कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था अगर बारिश हो जाती थी तो उस घर को दोबारा तोड़कर सजाया जाता था देवदास फिल्म का सबसे चर्चित किरदार चंद्रमुखी जैसे माधुरी दीक्षित ने निभाया था इस फिल्म में चंद्रमुखी की बेहद ही शानदार कोठा दिखाया गया था जिसे बनाने में 12 करोड़ रुपए लगे थे साल 2003 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था और साथ ही आस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी देवदास फिल्म को बनाने में 700 सौ लाइटमैन और बयालीस जनरेटर का प्रयोग किया गया था इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से मुंबई की शादियों में लाइटिंग और डेकोरेशन की कमी पड़ गई थी क्योंकि सारी लाइटिंग और डेकोरेशन का सामान तो भंसाली के सेट पर लगा दिया गया था शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी की फिल्म देवदास को रिलीज हुए लगभग 22 साल होने वाले हैं 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई देवदास बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है इस फिल्म के अलीशैन सेट को करीब 9 महीने तक इस्तेमाल किया गया था फिल्म के सेट का सबसे महंगा पार्ट चंद्रमुखी का कोटा था जिसे तैयार करने में 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे फिल्म में ऐश्वर्या राय ने डिजाइनर नीता लुल्ला के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने थे इसमें लिए इसके लिए खुद नीता और संजय लीला भंसाली ने कोलकाता में 600 सौ साड़ियां खरीदी थी इसके बाद अलग अलग साड़ियों को मिक्स किया गया था और इसे बांधने के स्टाइल को भी नीता ने ही क्रिएट किया नीता लुल्ला को ऐश्वर्या राय को तैयार करने में हर रोज करीब घंटे लगते थे पारों के लिए आठ से नौ मीटर की साड़ियों का इस्तेमाल किया गया था देवदास को जहां क्रिटिक्स की तरफ से सराहना मिली वहीं इसने कई बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे फिल्म में ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित पर फिल्म माया गाना डोला रे डोला काफी पॉपुलर हुआ था हालांकि ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि इस गीत की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय जख्मी हो गई थी और उनके कानों से खून बहने लगा था दरअसल ऐश्वर्या राय ने फिल्म में पारू का रोल निभाया था फिल्म में माधुरी दीक्षित ने साथ डोलारी डोरा गाने के दौरान दोनों का डांस गजब था हालांकि डांस के दौरान ऐश्वर्या के कानों से भारी झुमके पहने थे जिसकी वजह से उनके कानों से खून बहने लगा था हालांकि क्रू मेंबर्स को बिल्कुल भी खबर नहीं लगी लग पाई थी के बड़े झुमकों की वजह से ऐश्वर्या के कान बुरी तरह छिल गए हैं और उनके कानों से खून बहने लगा है हालांकि बावजूद इसके उन्होंने डांस करना तक तक बंद नहीं नहीं किया जब तक के शूट पूरा नहीं हो गया। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के लिए आउटफिट से लेकर कोरियोग्राफी और सेट की साज सज्जा तक सब कुछ बेहद महंगा था फिल्म के गाने काहे छोड़े मोहे के लिए माधुरी दीक्षित के आउटफिट का वजन 30 किलो था इसके साथ उनके लिए डांस करना आसान नहीं था बता दे के इस गाने की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित गर्भवती भी थी बावजूद इसके उन्होंने बिना किसी हिचक के शूटिंग पूरी की थी काहे छेड़े मोहे गाने में उन्होंने डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किया घाघरा पहना था जिसकी कीमत पंद्रह लाख रुपए से भी ज्यादा थी 2002 में आई फिल्म देवदास करीब 50 करोड़ में के बजट में बनी थी फिल्म के छह सेट बनाए गए थे जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर बयालीस जनरेटर 700 सौ लाइटमैन की मदद से 30 लाख वॉट बिजली सप्लाई की जाती थी फिल्म में चुन्नी बाबू का रोल एक्टर जैकी शॉफ ने प्ले किया था मगर उनसे पहले यह रोल मनोज बाजपाई को ऑफर किया गया था उस समय मनोज बाजपाई ने कहा था कि वो जितनी भी फिल्में कर रहे हैं उसमें लीड रोल ही कर रहे हैं ऐसे में वो कोई सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते बता दे कि देवदास को 2010 में एंपायर मैगजीन की द हंड्रेड बेस्ट फिल्म्स वर्ल्ड सिनेमा में चौहत्तरवा स्थान मिला था इसके साथ ही टाइम्स मैगजीन में उस साल दुनिया भर में रिलीज हुई सभी फिल्मों में से देवदास को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया है संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म देवदास 2002 में रिलीज हुई फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ साथ शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के करियर की भी सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है इस फिल्म के एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए संजय लीला भंसाली ने मेहनत के साथ साथ बेहद मोटी रकम भी लगा दी थी देवदास उस समय के हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मी फिल्म बनकर सामने आई थी फिल्म के लिए प्लान की गई कॉस्ट्यूम अभी तक लोगों में फैशन को डिफाइन करती है वहीं फिल्म का सेट किसी म्यूजियम से कम नहीं माना जाता आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जब देवदास रिलीज हुई तो उससे पहले किसी भी फिल्म का बजट इससे बड़ा नहीं रहा यह फिल्म उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म थी करीब 50 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी यह फिल्म इतना बड़ा बजट था कि फिल्म के प्रोड्यूसर भरत शाह को साल 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया था दरअसल एक जांच में सामने आया था कि उनकी एक फिल्म को अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस किया गया है हालांकि तब देवदास रिलीज नहीं हुई थी फिल्म का सेट देखकर किसी की आंखें गई थी। इसे तैयार करने में फिल्म को करीब सात से नौ महीने लग गए थे इतना ही नहीं इस सेट को तैयार करने में बीस करोड़ रुपए खर्च किए गए थे दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी रकम चंद्रमुखी का कोठा तैयार करने में लगी थी इसे तैयार करने में 12 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे वही बात करें पारों के घर की तो इसे स्टेंड ग्लास की मदद से तैयार किया गया था क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान बारिश हो रही थी इसलिए इस ग्लास को बार बार पेंट करना पड़ रहा था इस सेट को बनाने में सवा लाख स्टेंड ग्लास के पीस को इस्तेमाल किया गया था जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपए थी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के सभी आउटफिट्स फैशन डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने डिजाइन किए थे उस समय इन हैवी और शानदार आउटफिट्स की कीमत करीब पंद्रह लाख रुपए हुआ करती थी काहे छेड़ छेड़ मुहे गाने में माधुरी ने जो घाघरा पहना था उसका वजन 30 किलो का था ऐसे में इस आउटफिट में डांस करना भी उनके लिए काफी चैलेंजिंग साबित हुआ होगा ऐसे में इसे रिप्लेस कराया गया और हल्का घाघरा तैयार किया गया इस हल्के घाघरे का वजन भी 16 किलो था ऐसे ही माधुरी ने एक 10 किलो की ड्रेस पहनी थी जिसे तैयार करने में आर्टिस्टों को करीब दो महीने का समय लगा था फैशन डिजाइनर नीतू लुल्ला और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या के लिए कोलकाता से 600 साड़ियां खरीदी थी इसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाकर अलग लुक तैयार किया गया जिन्हें ऐश्वर्या ने पारो का किरदार निभाने के लिए पहना था ऐश्वर्या राय को हर बार तैयार करने में नीतू लुल्ला को करीब तीन घंटे का समय लगता था दरअसल नॉर्मल साड़ी 6 मीटर की होती है लेकिन जो साड़ी ऐश्वर्या को पारो के किरदार के लिए पहनाई जाती थी वो आठ से नौ मीटर की होती थी इस्माइल इस दरबार ने इस फिल्म के आइकॉनिक गानों का म्यूजिक तैयार किया था इसके लिए उन्हें दो साल का लंबा वक्त लगा था हर एक गाने की रिकॉर्डिंग करीब दस दिनों में होती थी फिर इसके बाद उन्हें आठ नौ बार मिक्स किया जाता था इस दौरान इस्माइल इस दरबार और संजय लीला भंसाली में काफी मन मुटाव और कह, कहा सुनी भी हुई हालांकि दोनों ने इन्हें बाद में सुलटा लिया था डोला रे डोला गाने के लिए लाइन को फाइनल मिक्सिंग स्टेज पर नुसरत बद्र ने बदला था और इसमें खर्चा भी हुआ था तमाम कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत के बाद साल 2002 में देवदास टॉप अर्नर बनकर सामने आई थी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने इकतालीस सड़सठ करोड़ रुपए की मोटी कमाई की थी जो कि उन दिनों में बड़ा रिकॉर्ड था इसी साल रिलीज हुई फिल्म राज ने 21 करोड़ रुपए की कमाई की थी रेलू बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर में देवदास ने शानदार कमाई की इस फिल्म का प्रीमियर फिल्म फेस्टिवल में भी रखा गया था फिल्म के म्यूजिक राइट्स 12 करोड़ रुपए में बिके थे इस फिल्म की एक चीज इतनी शानदार थी तभी आज की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म में इसका नाम शुमार है इस फिल्म से ही लोगों की नजरें ऐश्वर्या राय पर कई सालों तक पारो की इमेज में छाई रही और शाहरुख देवदास की इमेज में वहीं माधुरी दीक्षित का चंद्रमुखी रोल और जैकी श्राफ का चुन्नी लाल वाला अवतार आज शायद ही इसे कोई टक्कर दे पाए लेकिन आपको बता दें कि आपने इस फिल्म में जिस जिस सुपरस्टार को देखा वो इसलिए पहली पसंद नहीं थे जी हां फिल्म से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे तो चलिए बात करते हैं इन दलचस्प बातों के बारे में 2002 में रिलीज हुई शाहरुख खान माधुरी और ऐश्वर्या की फिल्म देवदास को लगभग 20 साल पूरे हो गए हैं फिल्म की ज्यादातर कास्ट आपने अपने रोल के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थे लीड रोल के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था सलमान के रिजेक्ट करने के बाद शाहरुख को यह रोल मिला चुन्नी लाल का रोल भी जैकी श्रॉफ के पहले गोविंदा और सैफ अली खान को ऑफर हुआ था फिल्म देवदास की शूटिंग से पहले ही ऐश्वर्या और सलमान के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी इसी दौरान शाहरुख और ऐश की जोड़ी को खासा पसंद किया जाने लगा था यही बात सलमान को नागाबार गुजर रही थी तो सूत्रों की माने तो सलमान को लगने लगा था कि शाहरुख और ऐश के बीच अफेयर चल रहा है इन सब की वजह से शाहरुख और सलमान के बीच भी गलत फहमिया को बढ़ने लगी थी दोनों की दोस्ती में वही से खटास आने लगी थी फिल्म देवदास का संगीत तैयार करने में करीब ढाई साल लगे थे संजय लीला भंसाली और इस्माइल दरबार ने कड़ी मेहनत के बाद इसे फाइनल किया था लगभग हर गाने को मिक्स करने में आठ से नौ टेक लेने पड़े थे डोला रे डोला की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के कान के झुमके इतने भारी थे कि उनके कानों से खून निकलने लगा था लेकिन ऐश ने बिना किसी शिकायत के शूटिंग जारी रखी थी आप ये जानकर अचंभित रह जाएंगे कि ये गाना लिखने में करीब एक हफ्ता लगा था देवदास की शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड बयालीस जनरेटर इस्तेमाल किए गए थे एक फिल्म के करीब लिए करीब दो से तीन जनरेटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं यही नहीं क्योंकि ज्यादातर जनरेटर यहां इस्तेमाल हो रहे थे इसलिए मुंबई की कई शादियों में बहुत परेशानियां सामने आई थी फिल्म में 2500 लाइटें 700 सौ लाइटमैन और अनगिनत जूनियर आर्टिस्ट लगे हुए थे इस फिल्म ने तीनों के ही करियर को एक नई ऊंचाई दी थी यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों पे ही छाई रहती है फिल्म के कॉस्ट्यूम सेट और गाने हर चीज शानदार है फिल्म में हर एक चीज को बारीकी से फिल्माया गया है लगभग बीस साल पूरे होने को हो हैं इस फिल्म के और हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे तो देवदास फिल्म को को उसके भव्य सेट सेट से के लिए भी जाना जाता है। तैयार करने में मेकर्स को लगभग सात से आठ महीने लगे थे फिल्म के हर किरदार के लिए शानदार कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए थे शाहरुख खान रोमांस के अल्टीमेट किंग है और निंदेह देवदास उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक फिल्मों में से एक है 12 जुलाई को संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई देवदास को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं इस फिल्म की रिलीज के बाद शाहरुख ने बताया था कि यह फिल्म उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी फिल्म मेकर फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था दुनिया भर के फेस्टिवल्स में प्रदर्शित की गई मेरी अब तक की फिल्मों में से देवदास मेरे लिए सबसे खास है शाहरुख ने इंटरव्यू में यह भी कहा मैं एक रोमांटिक शख्स हूं लेकिन मैं कभी इस तरह से नशे में नहीं रहा जैसा कि इस फिल्म का कैरेक्टर है प्रेम से जुड़ी यह अहंकार की एक अजीब भावना है आपको तब बेहद गर्व होता है जब कोई आपसे प्यार करता है और किसी से आप प्यार का गर्व आपसे ऐसी चीजें करवाता है जिसे आप सामान्यत नहीं कर सकते इसमें शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य किरदार में हैं। इसे 12 जुलाई 2002 को सिनेमा घरों में दिखाया गया था रिलीज पर भारत में मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद देव देवदास को पश्चिमी फिल्म आलोचका किया गया था और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की ओर से अकादमी पुरस्कार में भी भेजी गई थी देवदास ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था फिल्म ने पांच राष्ट्रीय पुरस्कार और दस फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते ऐसे यह ऐसे में यह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ उस समय तक सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार को जीतने वाली फिल्म हुई थी बाद में 2005 की भंसाली की ब्लैक ने कीर्तिमान तोड़ दिया इस फिल्म को बनाने के कुल खर्चा 50 करोड़ रुपए आया था और फिल्म रिलीज के समय यह बॉलीवुड की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म थी इसे हिंदी के साथ साथ छह अन्य भाषाओं में भी दिखाया गया था जिसमें अंग्रेजी गुजराती फ्रांसीसी, मंदारिन थाई और पंजाबी शामिल है यह फिल्म भारत और विदेशों में एक व्यावसायिक सफलता थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदे हुए हैं यह कहानी 1990 के दशक की है कौशल्या को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा देवदास वापस घर आ रहा है देवदास दस साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया था उसके लौटने की खुशी में में यह बात कौशल्या अपनी पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा को भी बता देती है इस खबर से वो खुश हो जाती है जब देवदास लौटता है तो पारो और उसके बीच की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है सभी को ऐसा लगता है कि उन दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी लेकिन कौशल्या को देवदास की भाभी कुमत बताती है कि पारो की मात्र संबंधी वंशावली नाचने वाली लड़की की है और उसे मुखर्जी परिवार में शामिल करना ठीक नहीं होगा सुमित्रा सभी के सामने अपनी इच्छा रखती है कि देवदास और पारो की शादी हो जाए पर कौशल्या सभी के सामने इस रिश्ते से मना कर देती है और कहती है कि वे लोग निचले दर्जे के लोग हैं मित्रा इस बेजती को सह नहीं पाती और पारू की शादी मुखर्जी परिवार से अमीर एक चालीस साल के ठाकुर भवन चौधरी से तय कर देती है जो तलाक और तीन बच्चों का बाप है है वो ये शादी बस इस कारण से तय करती है क्योंकि उस बुढ़े के पास मुखर्जी परिवार से ज्यादा पैसे हैं वहीं देवदास के पिता भी पारू के साथ देव की शादी के लिए मना कर देते हैं इस कारण देव अपना घर छोड़ देता है और कोठे में रहने लगता है पारो को एक झूठी चिट्ठी लिखता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था कोठे में उसकी मुलाकात चंद्रमुखी नाम की तवायफ से होती है उसे देव से प्यार हो जाता है जल्द ही देव को एहसास होता है कि उसने पारो को छोड़कर गलती की है वो उसके शादी के समय उसके पास वापस लौटता है लेकिन पारो उसके साथ आने से मना कर देती है वो उसे याद दिलाती है किस तरह उसने उसे अकेला छोड़ दिया था पारू को पता चलता है कि उसका पति उससे बस अपने बच्चों की मां बनने के लिए शादी करना चाहता है लेकिन उसे सिर्फ अपनी अपनी पहली पत्नी से से ही प्यार है है वो ओर उन बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखती है। वहीं पारू को हमेशा के लिए खो देने के कारण देवदास का दिल टूट जाता है और वो वापस कोठे में बस जाता है और शराबी बन जाता है अब देवदास के पिता मरने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो अपने बेटे को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं लेकिन देव उनके पास उनके मरने के बाद आता है वो भी शराब के नशे में धुत होकर और चला भी जाता है शराब के कारण देवदास का हाल काफी बुरा हो जाता है और उसे पता चलता है कि अब शराब पीने से वो मर भी सकता है वो ठीक होने के लिए अपने घर वापस आता है वहां उसे पता चलता है कि उसकी भाभी ने उसकी मां से खानदान की तिजोरी की चाबी चुरा ली है वो जब इस बारे में मुकद से बात करता है तो उसकी माँ को बताती है कि देवदास ने ही चाबी चुराई है उसकी माँ कुमद की बातों में विश्वास कर लेती है और देवदास को घर से निकाल देती है पारू को जब देवदास के हालत के बारे में पता चलता है तो वो चंद्रमुखी के कोठे में आकर उसे देवदास को शराब न पिलाने के बारे में कहती है और उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि चंद्रमुखी को देवदास से प्यार हो गया है पारो अब देवदास से कहती है कि वो शराब पीना बंद कर दे लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है कि मरने से पहले अंतिम बार उसके घर के दरवाजे तक जरूर आएगा एक दिन ट्रेन में देवदास की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त चुन्नी बाबू से होती है वो उसे अपनी दोस्ती के नाम पर शराब पिला देता है देवदास ये जानते हुए भी शराब पीता है कि वो इस बार शराब पीने के बाद नहीं बच पाएगा वो पारो को किया वादा निभाने के लिए पारो के घर जाता है वो बाहर के दरवाजे के पास वाले पेड़ के नीचे गिर जाता है पारो उसे देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है पर भुवन उसे देखकर नौकरों को दरवाजा बंद करने को कह देता है देवदास को पारो की एक धुंधली सी छवि दिखती है और दरवाजा बंद हो जाता है दरवाजे के पीछे पारो रोने लगती है और वहीं धीरे-धीरे देवदास मौत के करीब बढ़ता जाता है उसके मरने के साथ ही पारो का दिया भी बुझ जाता है फिल्म साउंडट्रैक मुख्य रूप से एसमाइल दरबार द्वारा रचित किया गया जबकि गीत नुसरत बद्र द्वारा लिखे गए थे इसमें पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल कविता कृष्णमूर्ति और उदत्त नारायण शामिल हैं श्रेया ने इन फिल्म के माध्यम से अपनी बॉलीवुड में शुरुआत की उन्होंने संजय लीला भंसाली का ध्यान आकर्षित किया था जिन्होंने उन्हें सारे गामा में एक प्रतिभागी के रूप में देखा और बाद में उन्हें पारों के चरित्र के लिए पार्श्व गायन करने का मौका दिया श्रेया के गायन करियर में दर्ज पहला बॉलीवुड गीत बैरी पिया था उन्होंने एल्बम में पांच गाने गाए और उनकी आलोचनात्मक प्रशंसा और सराहना हुई उन्होंने बैरी पिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला गायिका का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी जीते साल 2002 में शुरू हुई थी देव और पारो की प्रेम कहानी मतलब आज देवदास को लगभग 22 साल पूरे होने वाले हैं संजलीला भंसाली की यह फिल्म 1955 में बनी देवदास की रीमेक थी 1955 की देवदास को विमल रॉय ने डायरेक्ट किया था और विमल की देवदास में दिलीप कुमार थे और भंसाली वाली में शाहरुख खान नजर आए थे माधुरी दीक्षित ने अपनी आइकॉनिक फिल्म देवदास के 22 साल पूरे होने पर एक तस्वीर शेयर की थी संजलीला भंसाली की इस फिल्म में चंद्रमुखी का किरदार निभाने वाली माधुरी ने इस फिल्म देवदास के सेट के इस तस्वीर को शेयर किया और इस तस्वीर में माधुरी के अलावा शाहरुख के अलावा डायरेक्टर संजय लीला भंसारी भी नजर आए माधुरी ने अपने इस पोस्ट में शाहरुख खान संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय को भी टैग किया वहीं शाहरुख ने भी इस ट्वीट को जवाब दिया माधुरी ने लिखा था थ्रो बैक टू देवदास विच विल ऑलवेज बी अ फिल्म वेरी क्लोज टू माई हार्ट और शाहरुख ने इसके जवाब में लिखा ईश और आप हमेशा हमारे दिल के करीब रहेंगी आप हमेशा वो रहेंगी जिसने हमें मार डाला इश हम पर ये किसने हरा रंग डाला यह गाना आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ गया और हर शादी में डोलारे डोलारे डोला गाने पर डांस किया जाता है देवदास फिल्म से मैं सभी को अपने रंग में रंग लिया और आज इस फिल्म को 22 साल होने वाले हैं तो आज कुछ ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं जो इस फिल्म से ही उनसे हम रूबरू कराएंगे आपको देवदास नब्बे के दशक में लिखे गए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल पर आधारित थी निर्देशक संजय लीला भंसाली ने 1955 में रिलीज हुई देवदास फिल्म का रीमेक बनाया था भंसाली की इस फिल्म को उस दौर की सबसे महंगी फिल्मों में गिना जाता है जिसके सिर्फ छह सेट्स को बनाने की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पारो का खूबसूरत सा दिखने वाला कांच का घर एक लाख बाईस हजार कांच के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया था अगर बारिश हो जाती थी तो उस घर को दोबारा तोड़कर सजाया जाता था देवदास फिल्म का सबसे चर्चित किरदार चंद्रमुखी जैसे माधुरी दीक्षित ने निभाया था इस फिल्म में चंद्रमुखी की बेहद ही शानदार कोठा दिखाया गया था जिसे बनाने में 12 करोड़ रुपए लगे थे साल 2003 में कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर किया गया था और साथ ही आस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी देवदास फिल्म को बनाने में 700 सौ लाइटमैन और बयालीस जनरेटर का प्रयोग किया गया था इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से मुंबई की शादियों में लाइटिंग और डेकोरेशन की कमी पड़ गई थी क्योंकि सारी लाइटिंग और डेकोरेशन का सामान तो भंसाली के सेट पर लगा दिया गया था शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी की फिल्म देवदास को रिलीज हुए लगभग 22 साल होने वाले हैं 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई देवदास बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है इस फिल्म के अलीशैन सेट को करीब 9 महीने तक इस्तेमाल किया गया था फिल्म के सेट का सबसे महंगा पार्ट चंद्रमुखी का कोटा था इसे तैयार करने में बारह करोड़ रुपए खर्च किए गए थे फिल्म में ऐश्वर्या राय ने डिजाइनर नीता लुला के डिजाइन किए हुए कपड़े पहने थे इसमें लिए इसके लिए खुद नीता और संजय लीला भंसाली ने कोलकाता में 600 सौ साड़ियां खरीदी थी इसके बाद अलग अलग साड़ियों को मिक्स किया गया था और इसे बांधने के स्टाइल को भी नीता ने ही क्रिएट किया नीता लुला को ऐश्वर्या राय को तैयार करने में हर रोज करीब तीन घंटे लगते थे पारों के लिए आठ से नौ मीटर की साड़ियों का इस्तेमाल किया गया था देवदास को जहां क्रिटिक्स की तरफ से सराहना मिली वहीं इसने कई बड़े अवार्ड्स भी अपने नाम किए थे फिल्म में ऐश्वर्या और माधुरी दीक्षित पर फिल्म माया गाना डोला रे डोला काफी पॉपुलर हुआ था हालांकि ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि इस गीत की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय जख्मी हो गई थी और उनके कानों से खून बहने लगा था दरअसल ऐश्वर्या राय ने फिल्म में पारो का रोल निभाया था फिल्म में माधुरी दीक्षित ने सात री डोरा गाने के दौरान दोनों का डांस डांस गजब था हालांकि के दौरान ऐश्वर्या के कानों से भारी झुमके पहने थे जिसकी वजह से से उनके कानों खून बहने लगा था हालांकि क्रू मेंबर्स को बिल्कुल भी खबर नहीं लगी लग पाई थी कि बड़े झुमकों की वजह से ऐश्वर्या के कान बुरी तरह छिल गए हैं और उनके कानों से खून बहने लगा है हालांकि बावजूद इसके उन्होंने डांस करना तक बंद नहीं किया जब तक कि शूट पूरा नहीं हो गया संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के लिए आउटफिट से लेकर कोरियोग्राफी और सेट की साज सज्जा तक सब कुछ बेहद महंगा था फिल्म के गाने काहे छोड़े मोहे के लिए माधुरी दीक्षित के आउटफिट का वजन 30 किलो था इसके साथ उनके लिए डांस करना आसान नहीं था बता दे के इस गाने की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित गर्भवती भी थी बावजूद इसके उन्होंने बिना किसी हिचक के शूटिंग पूरी की थी काहे छेड़े मोहे गाने में उन्होंने डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला द्वारा डिजाइन किया घाघरा पहना था जिसकी कीमत पंद्रह लाख रुपए से भी ज्यादा थी 2002 में आई फिल्म देवदास करीब 50 करोड़ में के बजट में बनी थी फिल्म के छह सेट बनाए गए थे जिनकी कीमत 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी रिपोर्ट के मुताबिक सेट पर 42 जनरेटर 700 सौ लाइटमैन की मदद से 30 लाख वॉट बिजली सप्लाई की जाती थी फिल्म में चुन्नी बाबू का रोल एक्टर जैकी श्रॉफ ने प्ले किया था मगर उनसे पहले यह रोल मनोज बाजपाई को ऑफर किया गया था उस समय मनोज बाजपाई ने कहा था कि वो जितनी भी फिल्में कर रहे हैं उसमें लीड रोल ही कर रहे हैं ऐसे में वो कोई सपोर्टिंग रोल नहीं करना चाहते बता दें कि देवदास को 2010 में एंपायर मैगजीन की द हंड्रेड बेस्ट फिल्म्स वर्ल्ड सिनेमा में स्थान मिला था इसके साथ ही टाइम्स मैगजीन में उस साल दुनिया भर में रिलीज हुई सभी फिल्मों में से देवदास को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया है संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म देवदास 2002 में रिलीज हुई फिल्म संजय लीला भंसाली के साथ साथ शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के करियर की भी सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है इस फिल्म के एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए संजय लीला भंसाली ने मेहनत के साथ साथ बेहद मोटी रकम भी लगा दी थी देवदास उस समय के हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मी फिल्म बनकर सामने आई थी फिल्म के लिए प्लान की गई कॉस्ट्यूम अभी तक लोगों में फैशन को डिफाइन करती है वहीं फिल्म का सेट किसी म्यूजियम से कम नहीं माना जाता आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं तब देवदास रिलीज हुई तो उससे पहले किसी भी फिल्म का बजट इससे बड़ा नहीं रहा यह फिल्म उस समय हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म थी करीब 50 करोड़ के बजट में यह फिल्म बनकर तैयार हुई थी यह फिल्म इतना बड़ा बजट था कि फिल्म के प्रोड्यूसर भरत शाह को साल 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया था दरअसल एक जांच में सामने आया था कि उनकी एक फिल्म को अंडरवर्ल्ड से फाइनेंस किया गया है हालांकि तब देवदास रिलीज नहीं हुई थी फिल्म का सेट देखकर किसी की आंखें चौंधिया गई थी इसे तैयार करने में फिल्म को करीब सात से नौ महीने लग गए थे इतना ही नहीं इस सेट को तैयार करने में बीस करोड़ रुपए खर्च किए गए थे दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी रकम चंद्रमुखी का कोठा तैयार करने में लगी थी इसे तैयार करने में 12 करोड़ रुपए खर्चे हुए थे वही बात करें पारो के घर की तो इसे स्टेंड ग्लास की मदद से तैयार किया गया था क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान बारिश हो रही थी इसलिए इस ग्लास को बार बार पेंट करना पड़ रहा था इस सेट को बनाने में सवा लाख स्टेंड ग्लास के पीस को इस्तेमाल किया गया था जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ रुपए थी इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के सभी आउटफिट्स फैशन डिजाइनर अबू जानी संदीप खोसला ने डिजाइन किए थे उस समय इन हैवी और शानदार आर्टिफ आउटफिट्स की कीमत करीब 15 लाख रुपए हुआ करती थी काहे छेड़ छेड़ मुहे गाने में माधुरी ने जो घाघरा पहना था उसका वजन 30 किलो का था ऐसे में इस आउटफिट में डांस करना भी उनके लिए काफी चैलेंजिंग साबित हुआ होगा ऐसे में इसे रिप्लेस कराया गया और हल्का घाघरा तैयार किया गया इस हल्के घाघरे का वजन भी सोलह किलो था ऐसे ही माधुरी ने एक दस किलो की ड्रेस पहनी थी जिसे तैयार करने में आर्टिस्टों को करीब दो महीने का समय लगा था फैशन डिजाइनर नीतू लुल्ला और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या के लिए कोलकाता से 600 साड़ियां खरीदी थी इसके बाद उन्हें एक दूसरे के साथ मिलाकर अलग लुक तैयार किया गया जिन्हें ऐश्वर्या ने पारू का किरदार निभाने के लिए पहना था ऐश्वर्या राय को हर बार तैयार करने में नीतू लुल्ला को करीब तीन घंटे का समय लगता था दरअसल नॉर्मल साड़ी छ मीटर की होती है लेकिन जो साड़ी ऐश्वर्या को पारो के किरदार के लिए पहनाई जाती थी वो आठ से नौ मीटर की होती थी इस्माइल इस दरबार ने इस फिल्म के आइकॉनिक गानों का म्यूजिक तैयार किया था इसके लिए उन्हें दो साल का लंबा वक्त लगा था हर एक गाने की रिकॉर्डिंग करीब दस दिनों में होती थी फिर इसके बाद उन्हें आठ नौ बार मिक्स किया जाता था इस दौरान इस्माइल दरबार और संजय लीला भंसाली में काफी मन मुटाव और कह, कहा लाइन डोला को फाइनल मिक्सिंग स्टेज पर नुसरत बद्र ने बदला था और इसमें खर्चा भी हुआ था तमाम कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत के बाद साल 2002 में देवदास टॉप अर्नर बनकर सामने आई थी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 41.66 करोड़ रुपए की मोटी कमाई की थी जो कि उन दिनों में बड़ा रिकॉर्ड था इसी साल रिलीज हुई फिल्म राज ने 21 करोड़ रुपए की कमाई की थी घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ दुनिया भर में देवदास ने शानदार कमाई की इस फिल्म का प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में भी रखा गया था फिल्म के म्यूजिक राइट्स 12 करोड़ रुपए में बिके थे इस फिल्म की एक चीज इतनी शानदार थी कभी आज की बेस्ट बॉलीवुड फिल्म में इसका नाम शुमार है इस फिल्म से ही लोगों की नजरें ऐश्वर्या राय पर कई सालों तक पारो की इमेज में छाई रही और शाहरुख देवदास की इमेज में वहीं माधुरी दीक्षित का चंद्रमुखी रोल और जैकी श्राफ का चुन्नी लाल वाला अवतार आज शायद ही इसे कोई टक्कर दे पाए लेकिन आपको बता दें कि आपने इस फिल्म में जिस जिस सुपरस्टार को देखा वो इसलिए पहली पसंद नहीं थे जी हां फिल्म से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे तो चलिए बात करते हैं इन दलचस्प बातों के बारे में 2002 में रिलीज हुई शाहरुख खान माधुरी और ऐश्वर्या की फिल्म देवदास को लगभग 20 साल पूरे हो गए हैं फिल्म की ज्यादातर कास्ट आपने अपने रोल के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थे लीड रोल के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था सलमान के रिजेक्ट करने के बाद शाहरुख को यह रोल मिला चुन्नी लाल रोल भी जैकी श्रॉफ के पहले गोविंदा और सैफ अली खान को ऑफर हुआ था फिल्म देवदास की शूटिंग से पहले ही ऐश्वर्या और सलमान के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी इसी दौरान शाहरुख और ऐश की जोड़ी को खासा पसंद किया जाने लगा था यही बात सलमान को नागवार गुजर रही थी कुछ सूत्रों की माने तो सलमान को लगने लगा था कि शाहरुख और ऐश के बीच अफेयर चल रहा है इन सब की वजह से शाहरुख और सलमान के बीच भी गलत फहमिया को बढ़ने लगी थी दोनों की दोस्ती में वही से खटास आने लगी थी फिल्म देवदास का संगीत तैयार करने में करीब ढाई साल लगे थे संजय लीला भंसाली और इसमाइल दरबार ने कड़ी मेहनत के बाद इसे फाइनल किया था लगभग हर गाने को मिक्स करने में आठ से नौ टेक लेने पड़े थे डोला रे डोला की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या के कान के झुमके इतने भारी थे कि उनकी कानों से ही खून निकलने लगा था लेकिन ने बिना किसी शिकायत के शूटिंग जारी रखी थी आप यह जानकर अचंभित रह जाएंगे कि गाना लिखने में करीब एक हफ्ता लगा था देवदास की शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड बयालीस जनरेटर इस्तेमाल किए गए थे एक फिल्म के करीब करीब दो से तीन जनरेटर ही इस्तेमाल किए जाते हैं यही नहीं क्योंकि ज्यादातर जनरेटर यहां इस्तेमाल हो रहे थे इसलिए मुंबई की कई शादियों में बहुत परेशानियां सामने आई थी फिल्म में पच्चीस लाइटें सात लाइटमैन और अनगिनत जूनियर आर्टिस्ट लगे हुए थे इस फिल्म ने तीनों के ही करियर को एक नई ऊंचाई दी थी यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों पर ही छाई रहती है फिल्म के कॉस्ट्यूम सेट और गाने हर चीज शानदार है फिल्म में हर एक चीज को बारीकी से फिल्माया गया है लगभग बीस साल पूरे होने को हो हैं इस फिल्म के और हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे तो देवदास फिल्म को उसके भव्य सेट से के लिए भी जाना जाता है सेट को तैयार करने में, में मेकर्स को लगभग सात से आठ महीने लगे थे फिल्म के हर किरदार के लिए शानदार कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए थे शाहरुख खान रोमांस के अल्टीमेट किंग हैं और निसंदेह है देवदास उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक फिल्मों में से एक है 12 जुलाई को संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित की गई देवदास को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पूरे 20 साल हो चुके हैं इस फिल्म की रिलीज के बाद शाहरुख ने बताया था कि यह फिल्म उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी फिल्म मेकर फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था दुनिया भर की फेस्टिवल्स में प्रदर्शित की गई मेरी अब तक की फिल्मों में से देवदास मेरे लिए सबसे खास है शाहरुख ने इंटरव्यू में यह भी कहा मैं एक रोमांटिक शख्स हूं लेकिन मैं कभी इस तरह से नशे में नहीं रहा जैसा कि इस फिल्म का है। प्रेम से जुड़ी यह अहंकार की एक अजीब भावना है आपको तब बेहद गर्व होता है जब कोई आपसे प्यार करता है और किसी से आप प्यार का गर्व आपसे ऐसी चीजें करवाता है जिसे आप सम्मान्य नहीं कर सकते यदि यही देवदास भी बताती है इसका कैरेक्टर एक क्लासिक हीरो के साथ ही प्यार का प्रतीक भी है मैंने देवदास को पूरी शिद्दत से निभाया है सच कहूं तो दिल से मैं देवदास ही हूं सो सो देवदासू थाउजेंड 2002 इंडियन हिंदी लैंग्वेज एपिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली एंड प्रोड्यूस्ड बाय भारत शाह अंडर हिज बैनर मेगा बॉलीवुड

Ultimately, leading to his emotional deterioration and him seeking refuge with the golden-hearted courtesan Chandramukhi. Bhansali was inspired to remake the novel into, novel into a film after reading it for a second time and announced the project in November 19, 19, 1919. Screenplay was written by him and Prakash Ranjit Kaparya, who also wrote the dialogues. Nitin chandrakant Desai built the site again between August 2000 and May 2001 and spent 200 million rupees along with Bhansali and other crews. He did extensive research on Calcutta building design from the period of the British Raj. Principal photography was handled by Binod Pradhan from November 2000 to April 2002, taking place in Bikaner, Film City and Filmistan. While the Zamal and Birju Maharaj composed the soundtrack, Monty Sharma composed the background score. Devdas premiered at the 2002 Cannes Film Festival on 23rd May 2002 and was released worldwide on 12 July that year. It was the most expensive Indian film ever made at the time with a budget of 500 million rupees. The film got mixed to negative. Reviews when it premiered at Keynes, but was better received when it was critically released. The film was a commercial success and emerged as the highest grossing Indian film of the year, earning 998.8 million rupees in both India and overseas. It won several accolades, including five National Film Awards and 11 Film Fear Awards. The latter includes trophies for Best Film, Best Director, Best Actor, Best Actress and Best Supporting Actress so the story of the movie in 1990s Kashalya hears that her younger son devdas is about to return home after leaving 10 years ago for law school in london she tells her neighbour sumitra who is overjoyed the latter's daughter parvati aka paro and devdas share a deep friendship rooted in childhood when devdas was sent to london paro had lit an oil lamp to prompt his return and never allowed it to extinguish when Devdas returns, their friendship uh, turned into love. Everyone believes that Devdas and Paro will get married. But Devdas, skimming sister-in-law Kumud reminds Kaushalya of Paro's maternal lineage of notch girls and notanky performers, Whether inappropriate for Devdas family. Sumitra publicly announces her desire for Devdas and Paro to marry but Kaushalya rejects and humiliates her in public but by saying that she, she is from a lower-class family. Devastated Sumitra hastily arranges Paro's marriage to a man named Bhuvan, a 40-year-old widower, aristocrat with three grown children who is wealthier than Devdas' family. When Devdas' father also rejects Paru, Devdas leaves his parents' house and takes refugee to a brother. He leaves a letter for Paru, falsely stating that love had never existed between them. At the brother, he meets a good hearted courtesan named Chandramukhi, who falls in love with him. Soon, Devdas realizes his mistake in abandoning Paru. He returns to her during her wedding and asks her to elope, but Paru refuses, reminding him of the way. He has discarded her so easily. Paru tearfully is married off to Bhuvan. Paru learns from her new husband that he has married her only to be a mother to the to his children and lady of the estate, but that his love is only for his late first wife. She dutifully fulfills her responsibilities while the heartbroken Devdas permanently moves to Chandramukhi's brotherland becomes an alcoholic when devdas' father is on his deathbed he asks to see devdas the latter arrives later at his father's funeral causing a scene and eventually passes out devdas returns to the family home and discovers that his sister-in-law has stolen his mother's key to the family safe he confronts her but kumar tells his mother that devdas had stolen the keys his mother believes her and devdas leaves banished Paro arrives at Chandramukhi's brother accusing her of driving Devdas too drunk but quickly realizes that Chandramukhi loves Devdas. Paro urges Devdas to stop drinking but he remains stubborn. He promises Paro that before he dies he will come to her doorstep one last time. Paro inv invites Chandramukhi to a celebration of Durga Puja at her husband's home and introduces her to her in-laws without revealing Chandramukhi's profession. However, Bhuvan's ill-natured son-in-law Kalik Babu a frequent visit to the brother reveals Chandramukhi's background and tries to humiliate her in front of the guest. But Chandramukhi reveals that he is the one who visits her place and the reason why her brother is still successful. She slaps him and leaves disheartened. Kalibabu tells Bhuvan and his mother about Paru's relationship with Devdas. As a result, Bhuvan permanently forbids Paru from leaving the mansion. Eventually, Devdas becomes so ill that the slightest dose of alcohol could kill him. Devdas tells Chandumuki that she must let him go and decides to travel the country. On a train, he meets his old college friend Chunila, who urges him to drink in the name of friendship. Devdas drinks, knowing full well it will be fatal. On the verge of death, Devdas travels to Paru's house to honor his promise, collapsing under a tree in front of the main gate. When she finds out that the man who is lying outside is him, she runs through the mansion, attempting to reach him. Bhuvan sees this and orders his servant to shut the gates. Devdas sees a blood image of Paro running towards him, but the gate closes just before she can reach him, leaving her sobbing inside. Devdas whispers Paro's name with the, his last breath, and he slowly dies. And immediately, Paro's lamp flickers out. So, production casting sets devdas is the third hindi remake of the 1917 bengali novel of the same name by sarat chandra Shatobadhyay. following the 1936 and 1955 versions, the actor sanjay lebanon sali read the novel for the second time and decided to adapt it. and asked by the times of india interviewer about why he based the film on the novel, he said that it was the most widely read story and added, i thought it would be a fascinating challenging challenge for me. To present already known and loved characters in my very own way with my pers perspectives, he wanted to make this remake was bigger, better, and most, more spectacular than any classic movie made in Indian cinema. He explained how the novel Devdas has a simple story, a soul which was so big, and confessed that it was motivated to do justice to this. It had to be made with grandeur and opulence. He stated that it was his interpretation of the novel and a tribute to a great story that transcends sexual love and makes emotion its hero. Bansali, who had wanted to make a film that can that has grandeur and grace, spoke to spoke of his love of the film. As much as Dev Das loved his paro. I have put more sincerity and passion into Devdas than any other two films, Khamushi De Musical and Ham Dil Sanam put together. He described the novel main character also named Devdas as the paradox of a man who was like a child, utterly lovable. Believing that it exists in the every male, especially every Indian male. In an interview with the Man's World magazine, he found a resemblance between the character and his father who directed the 1965 action film Lutera starring Dara Singh. He saw Devdas as a man who is so passionate about his love that it eventually costumes his entire being, he revealed that his father often narrates the novel's story to him, and he read it entirely for the first time at the age of seventeen. Furthermore, Hansali claimed that he only altered the presentation style of the 1955 version by the director Bimal Roy, with retaining its essence. The first. News about Devdas appeared in the article written by Bhavna Soumya for the Hindu in November 1999. It was produced by the industrialist Bharat Chandra, his production company Megha Bollywood. The screenplay was written by Bhansali with Gujarati playwright and television series writer Prakash Ranjit Kapadia who also wrote the dialogues. The distribution was jointly handled by Eros International in India, the United Kingdom, the United States, and France, and Focus International in other territories. Banzari included several novelties on its plot, as he had a desire to make it different from its predecessors. For instance, in the novel, Devdas returns from his studies in Calcutta while in the film's version he is shown finishing his studies in london in june 2000 the film faced controversy when another producer kate chopra had registered a film with the same title manzali however was able to successfully get the title shahrukh khan Aishwarya rai and madhuri Dixit were cast at the, as the lead role at the same time when the film's first report appeared it was reported that manzali tried to offer Dixit the role of chandramukhi a part written specially specifically for her she declined it because of her marriage to the cardiovascular surgeon shriram madhav nene on 17 october 1999 but eventually accepted it in september 2000 she said of her excitement about the collaboration working with sanjay was a dream he gives you a lot of scope and leave it with the rules interpretation since he has the whole film worked out in his mind. He's aware of the length of the scene. He knows exactly what he wants from each scene in order to keep the storyline crisp. So Devdas marked the third film between Shah Rukh Khan and Rai after the romantic films Josh and Mohabbatein. The former features as Devdas, a bachelor of last student who later being an alcoholic which was originally offered to Govinda and Salman Khan bansali approached him in february 2000 following the release of the actors firbi dil hai hindustani having watched his performances while assisting vidhu vinod chopra in 1942 a love story bansali stated that he, yeah, he was extremely happy after shah Rukh khan accepted to star in the film meanwhile the latter was given with the role of paro Devdas, childhood friend the next month this was the second collaboration between her and Bhansali following Hamdil Sanam. She first heard the story of the novel when he narrated the film's script to her. Prior to her, several actresses were offered to play the role, including Kajol and Karina Kapoor. Working with Bollywood well known stars was a new experience for her. Who was a newcomer at the time after debuting in Mani Ratnam's Tamil political film, Iruvar? And she said, so, the fact that this was an opportunity to walk with them as, on a big scale was one of the immediate attractions. The supporting cast includes Kiran Kher, Samita Jaikar, and Vijendra Ghatke. In August 2000, Kher was cast as Paro's mother Sumitra. She had always wanted to work with Bhansali after seeing his work in Khamushi, the musical, and Alhamdulillah Chuke Saram. met him at the 50th Berlin International Film Festival and the screening of her film, the drama. Bhariwali in 2000, he offered K2 roles Sumitra and Devdas' mother Kashalya. But the director suggested her to choose the former role in an interview with rediff.com. She described the role as a very definite character never seen on the big screen before and found it to be different compared with other mother roles from any film. She also felt that it gave her a lot of scope to perform. From a flamboyant young and larger than life character. Hair later positively spoke of her raptor with him. What made me keen on working with him was the bound script that he gave me and the unusual characterization of Sumitra. Jaykar, who was also offered with both roles, chose to play Kaushalya. Jaykar explained that she had portrayed similar roles before and believed that they were very bichari. Lot of soulful crying. A second collaboration with Bansali, subsequent to his previous venture. She confessed, "The look of the film is different from that of Ham Dil -e Sanam. It is richer, more opulent." That portrays Paro's husband Bhuvan, a 40-year-old Zaminda. He said that Bansali initially wanted him to play a role opposite Khir. Discussing his role, Ghatke stated, what I like about my character is that he comes from a noble lineage. There is a dignity, a grace in him that appealed to me. Ghatke compared the film to the two Kamal Amrohi's historical films, Pakiza and Razia Sultan and noted how Devdas is the only other lavish film I have ever seen. Vijay Krishna got the role of Narayan, Devdas father and he was sure Bhansali offered him its best because of its age factor. In October 2000, Jackie Shroff joined the cast and made a special appearance playing Devdas friend Chunila, a role that was declined by Govinda, Manoj Bajpai and Saif Ali Khan. The production design of Devdas, led by Nitin this Desai, with between sixty and one hundred assistants, including Pune-based architect Dheeraj Kokar helped him in several constructions bansali wanted to set to be a different from the novels 1936 and 1955 hindi remakes and to fulfill his request this i visited the national film archive of india to collect the photographs of the previous remake versions and to be sure that there is no duplication as the film is set in the 90s Mansari, Desai, and other crew did extensive research and discussion on houses designs from the periods of the British Raj in Calcutta and Indian culture at the time. After this research, Desai come up with the first four different set designs Paro's, Haveli, and Manshan, Devda's house, and Chandramukhi's brother. Desai started building the set in August 2000, two months before the shooting began and finished in May 2001 in Film City, of film studio complex in Mumbai. For representing an aristocratic family. It was predominantly used the colours yellow and green for the snow walls in between house to make it a 1911 British style home and used between 128 and 180 pillars, each 60 foot high. The building had a total area of 250 foot and was constructed on a 1.5 million rupees budget. Or Paro's Haveli, the place where she lives before marriage, This I spent 30 million rupees and used pink and blue as the main colors. He told Anita Aikara of the Indian Express in the 2011 interview spend so much time in the details of the home that Bansali asked me to rework their house. It looked very small when compared to Paro's. According to India Today's Journalist, 1.22 uh, million pieces of Paro's bedrooms, uh, stained glass, were continuously made uh, in 10 days. So, Abu Jani, Nita Lulla, Reza Sharif and Sandeep Khosla designed the costumes. Lulla claimed to be fan of the duo Jani and Khosla. Adding that, I do not know them on a personal level, but I received uh, positive vibes. We were completing a manga. Competing among ourselves, not with each other. In preparation, the crew watched a number of Bengali films based on Kolkata, taking to locals and did research on the Bengali culture. The film narrates the story of Devdas Mukherjee, a wealthy law graduate, who returns from London to marry his childhood friend Parvati Paru. However, the rejection of their marriage by his own family sparks his descent into alcoholism. Ultimately, leading to his uh, emotional deterioration and him seeking refuge with the golden hearted courtesan Chandramukhi. Bhansali was inspired to remake the novel into, novel into a film after reading it for a second time and announced the project in November 19, 19, 1919. Screenplay was written by him and Prakash Ranjit Kapadia, who also wrote the dialogues. Nitin Chandra Kant built the site again between August 2000 and May 2001, and spent 200 million rupees along with Bhansali and other crews. He did extensive research on Calcutta building design from the period of the British Raj. Principal photography was handled by Binod Pradhan from November 2000 to April 2002, taking place in Bikaner, film city, and filmistan. While Mal Darbair and Birju Maharaj composed the soundtrack, Monty Sharma composed the background score. Devdas premiered at the 2002 Cannes Fes Film Festival on 23rd May 2002 and was released worldwide on 12 July that year. It was the most expensive Indian film ever made at the time with a budget of 500 million rupees. The film got mixed to negative reviews when it premiered at keynes but was better received when it was critically released the film was a commercial success and emerged as the highest-grossing indian film of the year earning 998.8 million rupees in both india and overseas it won several accolades including five national film awards and 11 film awards the latter includes trophies for best film best director best actor back Best actress and best supporting actress. So the story of the movie in 1990s, Kashalya hears that her younger son Devdas is about to return home after leaving 10 years ago for law school in London. She tells her neighbor Sumitra who is overjoyed. The latter's daughter Parvati Akka, Paru, and Devdas share a deep friendship rooted in childhood. When Devdas was sent to London, Paro had lit an oil lamp to prompt his return and never allowed it to extinguish. When Devdas returns, their friendship turned into love. Everyone believes that Devdas and Paro will get married. But Devdas, skimming sister-in-law Kumud reminds Kaushalya of Paro's maternal lineage of notch girls and notunki performers. Whether inappropriate for Devdas family. Sumitra publicly announces her desire for Devdas and Paro to marry, but Kaushalya rejects and humiliates her in public, but by saying that she, she is from a lower class family. Devastated Sumitra hastily arranges Paro's marriage to a man named Bhuvan, a 40-year-old widower aristocrat with three grown children, who is wealthier than Devdas' family. When Devdas' father also rejects Paru, Devdas leaves his parents' house and takes refugee to a brothel. He leaves a letter for Paru, falsely stating that love had never existed between them. At the brothel, he meets a good-hearted courtesan named Chandramukhi, who falls in love with him. Soon, Devdas realizes his mistake in abandoning Paru. He returns to her during her wedding and asks her to elope, but Paru refuses, reminding him of the way he has discarded her so easily. Paru tearfully is married off to Bhuvan. Paru learns from her new husband that he has married her only to be a mother to, the, to his children and lady of the estate, but that his love is only for his late first wife. She dutifully fulfills her responsibilities while the heartbroken Devdas permanently moves to Chandramukhi's brotherland, becomes an alcoholic. When Devdas' father is on his deathbed, he asks to see Devdas. The latter arrives later at his father's funeral, causing a scene, and eventually passes out. Devdas returns to the family home and discovers that his sister in law has stolen his mother's key to the family safe. He confronts her, but Kumad tells his mother that Devdas had stolen the keys. His mother believes her and Devdas leaves banished. Paro arrives at Chandramukhi's brother, accusing her of driving Devdas too drunk, but quickly realizes that Chandramukhi loves Devdas. Paro urges Devdas to stop drinking but he remains stubborn he promises paro that before he dies he will come to her doorstep one last time paro invi invites chandramukhi to a celebration of durga puja at her husband's home and introduces her to her in-laws without revealing chandramukhi's profession however bhuvans ill-natured son-in-law kalik babu a frequent visit to the brother reveals Chandramukhi's background and tries to humiliate her in front of the guest. But Chandramukhi reveals that he is the one who visits her place and the reason why her brother is still successful. She slaps him and leaves disheartened. Kalibabu tells Bhuvan and his mother about Paru's relationship with Tevdas. As a result, Bhuvan permanently forbids Paru from leaving the mansion. Eventually Devdas becomes so ill that the slightest dose of alcohol could kill him. Devdas tells Chandramukhi that she must let him go and decides to travel the country. On a train he meets his old college friend Chunila, who urges him to drink in the name of friendship. Devdas drinks, knowing full well it will be fatal. On the verge of death, Devdas travels to Paro's house to honor his promise. Collapsing under a tree in front of the main gate. When she finds out that the man who is lying outside is him, she runs through the mansion, attempting to reach him. Govan sees this and orders his servant to shut the gates. Devdas sees a blood image of Paro running towards him, but the gate closes just before she can reach him, leaving her sobbing inside. Devdas whispers Paro's name with the, his last breath and he slowly dies. And immediately Paro's lamp flickers out. So production casting sets. Devdas is the third Hindi remake of the 1917 Bengali novel of the same name by Sarath Chandra Shatobadhyay. Following the 1936 and 1955 versions, the actor Sanjay Leela Bhansali read the novel for the second time and decide to adapt it and asked by the Times of India interviewer, about why he based the film on the novel he said that it was the most widely read story and added i thought it would be a fascinating challenging challenge for me to present already known and loved characters in my very own way with my pers perspectives he wanted to make this remake was bigger better and most more spectacular than any classic movie made in indian cinema. he explained how the novel devdas has a simple story, a soul which was so big and confessed that it was motivated to do justice to this. it had to be made with grandeur and opulence. he stated that it was his interpretation of the novel and a tribute to a great story that transcends sexual love and makes emotion its hero, Bansali, who had wanted to make a film that can that has grandeur and grace, spoke to spoke of his love of the film as much as Devdas loved his paro. I have put more sincerity and passion into Devdas than any other two films, Khamoshi the musical and Hamdil de Chuke Sanam put together. He described the novel main character, also named Devdas as the paradox of a man who was like a child utterly lovable believing that it exists in the every male especially every indian male in an interview with the man's world magazine he found a resemblance between the character and his father who directed the 1965 action film lutera starring Singh. he saw devdas as a man who is so passionate about his lover that it eventually costumes his entire being he revealed that his father often narrates the novels story to him and he read it entirely for the first time at the age of 17 furthermore bhansali claimed that he only altered the presentation style of the 1955 versions by the director bimal roy with retaining its essence the first news about devdas appeared in the article written by Bhavna Saumya for the Hindu in November 1999 it was produced by the industrialist Bharat under his production company Megha Bollywood the screenplay was written by Bhansali with Gujarati playwright and television series writer Prakash Ranjit Kapadia who also wrote the dialogues the distribution was jointly handled by Eros International in India the United Kingdom the United States and France and Focus International in other territories Banzali included several novelties on its plot as he had a desire to make it different from its predecessors. For instance, in the novel, Devdas returns from his studies in Calcutta, while in the film's version, he is shown finishing his studies in London. In June 2000, the film faced controversy when another producer, K. Chopra, had registered a film with the same title. Manzali, however, was able to successfully get the title. Shahrukh Khan, Ashutosh Rai, and Madhuri Dixit were cast at the, as the lead role. At the same time, when the film's first report appeared, it was reported that Manzali tried to offer Dixit the role of Chandramukhi, a part written specially specifically for her she declined it because of her marriage to the cardiovascular surgeon shriram madhav nene on 17 october 1999 but eventually accepted it in september 2000 she said of her excitement about the collaboration working with sanjay was a dream he gives you a lot of scope and leave it with the rules interpretation since he has the whole film worked out in his mind he's aware of the length of the scene he knows exactly what he wants from each scene in order to keep the storyline crisp so devdas marked the third film between shah Rukh khan and rai after the romantic films josh and mohabbatein the former features as devdas a bachelor of law student who later being an alcoholic which was originally offered to govinda and salman khan. bansali approached him in february 2000, following the release of the actors firbi Hai hindustani. having watched his performances while assisting vidhu vinod chopra in 1942, a love story, bansali stated that he, have, he was extremely happy after shah rukh khan accepted to star in the film. meanwhile, the latter was given with the role of paro Devdas, childhood friend the next month. This was the second collaboration between her and Bhansali following Hamdil De El Sanam. She first heard the story of the novel when he narrated the film's script to her. Prior to her, several actresses were offered to play the role, including Kajol and Karina Kapoor. Working with Bollywood well known stars was a new experience for her who was a newcomer at the time after debuted in Mani Ratnam's Tamil political film, iruva And she said, so the fact that this was an opportunity to walk with them as, on a big scale was one of the immediate attractions. The supporting cast includes Kiran Kher, Samita and Vijendra Ghatke. In August 2000, Kher was cast as Paro's mother Sumitra. She had Always wanted to work with Bhansali after seeing his work in Khamushi, the musical, and Alhamdulillah Chuke Saram. and met him at the 50th Berlin International Film Festival and the screening of her film, the drama Bhariwali. In 2000, he offered K2 roles Sumitra and Devdas Mother Kashalya, but the director suggested her to choose the former role. In an interview with Rediff.com, she described the role as a very definite character never seen on the big screen before and found it to be different compared with other mother roles from any film. She also felt that it gave her a lot of scope to perform from a flamboyant, young and larger-than-life character. Kare later positively spoke of her raptor with him, what made me Keen on working with him was the bound script that he gave me and the unusual characterization of Sumitra. Jekar, who was also offered with both roles, chose to play Koshalya. Jekar explained that she had portrayed similar roles before and believed that they were very bechari, lot of soulful crying, a second collaboration with Bhansali subsequent to his previous venture. She convinced. The look of the film is different from that of Ham Dil De Chukai Sanam. It is richer, more opulent. Ghatke portrays Paro's husband Bhuvan, a 40-year-old zamindar. He said that Bansali initially wanted him to play a role opposite Kher. Discussing his role, Ghatke stated, what I like about my character is that he comes from a noble lineage. There is a dignity, a grace in him that appealed to me. Katke compared the film to the two Kamal Amrohi's historical films, Pakiza and Razia Sultan, and noted how Devdas is the only other lavish film I have ever seen. Vijay Krishna Got the role of Narain Devdas father and he was sure Bansali offered him its best because of its age factor. In October 2000, Jackie Shroff joined the cast and made a special appearance playing Devdas' friend Chunilal, A role that was declined by Govinda, Manoj Bajpayee and Saif Ali Khan. The production design of Devdas led by Nitin Chandrakant Desai with between 60 and 100 assistants. Including Pune-based architect Dhiraj Al-Kokar, helped him in several constructions. Bansari wanted to set to be a different from the novel's 1936 and 1955 Hindi remakes and to fulfill his request. This I visited the National Film Archive of India to collect the photographs of the previous remake versions and to be sure that there is no duplication, as the film is set in the 90s. Bansali, Desai, and other crew did extensive research and discussion on houses designs from the periods of the British Raj in Calcutta and Indian culture at the time. After this research, Desai come up with the first four different set designs Paros, Haveli, and Mansion, Devda's house, and Chandramukhi's brother. Desai started building the set in August 2000, two months before the shooting began and finished in May 2001 in film city of film studio complex in Mumbai for representing an aristocratic family. He was predominantly used the colors yellow and green for the snow walls in between house to make it a 1911 British style home and used between 128 and 180 pillars each 60 foot high. The building had a total area of 250 foot. And was constructed on a 1.5 million rupees budget. For Paro's Haveli, the place where she lives before marriage. This I spent 30 million rupees and used pink and blue as the main colours. He told Anita Aikara of the Indian Express in the 2011 interview. Spend so much time in the details of the home that Bansali asked me to rework the das house. It looked very small when compared to Paro's. According to India Today's journalist, 1.22 million pieces of Paro's bedrooms stained glass were continuously made uh, in 10 days. Based on the 1917 novel of the same name by Sarat Chandra Chattopadhyay, the film narrates the story of Devdas Mukherjee, a wealthy law graduate who returns from London to marry his childhood friend Parvati Paru. However, the rejection of their marriage by his own family sparks his descent into alcoholism, ultimately leading to his emotional deterioration and him seeking refuge with the golden-hearted courtesan Chandramukhi. Bhansali was inspired to remake the novel into, novel into a film after reading it for a second time. And announced the project in November 19, 19, 1919. Screenplay was written by him and Prakash Ranjit Kapadia, who also wrote the dialogues. Nathan Chandra Kant disabled the site again between August 2000 and May 2001 and spent 200 million rupees along with Bhansari and other crews. He did extensive research on calcutta building designed from the period of the british raj principal photography was handled by binod pradhan from november 2000 to april 2002 taking place in bikaner film city and filmistan while azma Darbair and birju maharaj composed the soundtrack monty sharma composed the background score devdas premiered at the 2002 kane's first film festival on 23rd may 2002 and was released worldwide on 12 july that year it was the most expensive indian film ever made at the time with a budget of 500 million rupees the film got mixed to negative Reviews when it premiered at Keynes, but was better received when it was critically released the film was a commercial success and emerged as the highest grossing Indian film of the year earning 998.8 million rupees in both India and overseas it won several accolades including five national film awards and 11 film fair awards the latter includes Trophy is for best film, best director, best actor, best actress and best supporting actress. So the story of the movie in 1990s. Kaushalya hears that her younger son Devdas is about to return home after leaving 10 years ago for law school in London. She tells her neighbor Sumitra who is overjoyed. The latter's daughter Parvati Akka. Paro and Devdas share a deep friendship rooted in childhood. When Devdas was sent to London, Paro had lit an oil lamp to prompt his return and never allowed it to extinguish. When Devdas returns, their friendship turned into love. Everyone believes that Devdas and Paro will get married, but Devdas' skimming sister in law, Kumud, reminds Kaushalya of Paro's. Maternal lineage of notch girls and notanky performers, whether inappropriate for Devdas family. Sumitra publicly announces her desire for Devdas and Paru to marry, but Kaushalya rejects and humiliates her in public, but by saying that she she is from a lower class family. Devastated Sumitra hastily arranges Paru's. Marriage to a man named Bhuvan, a 40 year old widower. Aristocrat with three grown children, who is wealthier than Devdas' family. When Devdas' father also rejects Paru, Devdas leaves his parents' house and takes refugee to a brothel. He leaves a letter for Paru, falsely stating that love had never existed between them. At the brother, he meets a good-hearted courtesan named Chandramukhi, who falls in love with him. Soon, Devdas realizes his mistake in abandoning Paru. He returns to her during her wedding and asks her to elope, but Paru refuses, reminding him of the way he has discarded her so easily. Paru tearfully is married off to Bhuvan. Paro learns from her new husband that he has married her only to be a mother to the to his children and lady of the estate, but that his love is only for his late first wife. She dutifully fulfills her responsibilities while the heartbroken Devdas permanently moves to Chandramukhi's brotherland, becomes an alcoholic when devdas' father is on his deathbed, he asks to see devdas. the latter arrives later at his father's funeral, causing a scene and eventually passes out. devdas returns to the family home and discovers that his sister-in-law has stolen his mother's key to the family safe. he confronts her, but kumar tells his mother that devdas had stolen the keys. His mother believes her, and Devdas leaves banished. Paru arrives at Chandramukhi's brother, accusing her of driving Devdas too drunk. But quickly realizes that Chandramukhi loves Devdas. Paru urges Devdas to stop drinking, but he remains stubborn. He promises Paru that before he dies, he will come to her doorstep one last time. Paro inv invites Chandramukhi to a celebration of Durga Puja at her husband's home and introduces her to her in laws without revealing Chandramukhi's profession. However, Bhuvan's ill natured son in law Kalik Babu, a frequent visit to the brother, reveals Chandramukhi's background and tries to humiliate her in front of the guest. But Chandramukhi reveals that he is the one who visits her place and the reason why her brother is still successful. She slaps him and leaves disheartened. Kalibabu tells Bhuvan and his mother about Paru's relationship with Devdas. As a result, Bhuvan permanently forbids Paru from leaving the mansion. Eventually, Devdas becomes so ill that the slightest dose of alcohol could kill him. Devdas tells Chandumuki that she must let him go. And decides to travel the country. On a train, he meets his old college friend Chunila, who urges him to drink in the name of friendship. Devdas drinks, knowing full well it will be fatal. On the verge of death, Devdas travels to Paru's house to honor his promise, collapsing under a tree in front of the main gate. When she finds out that the man who is lying outside is him she runs through the mansion attempting to reach him Bhuvan sees this and orders his servant to shut the gates devdas sees a blood image of paro running towards him but the gate closes just before she can reach him leaving her sobbing inside devdas whispers paro's name with the, his last breath and he slowly dies and immediately paro's lamp flickers out